Hello everyone, welcome to Saroj Mathematics tutorial. One question from CSIR NET Mathematics, December 2019, 4.75 marks question. The question is very simple. Let fx be a polynomial of degree 4, given f0 is 0, f1 is 1, f of minus 1 is 0 and f dash 0 equal to 0. Which of the following statements are true? Third derivative of function greater than equal to 0. Third derivative of function lies between 0 and 2 and all the four options like this. Is tarike se char options diye hue jo all the four options are based on third derivative of function. So basically construct karte 4 degree ka polynomial aur third derivative uski calculate karte. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम सब जानते हैं कि अगर थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव हम निकालें तो उसमें एक्स क्यूब के बाद के जितने भी टर्म्स होंगे वो ऑटोमेटिकली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचते पहुंचते जीरो हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव एक बार ही करते हैं, सपोज वी हैव फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स, हम उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 2x होगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक कांस्टेंट होगा और तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो हो जाएगा. तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर, एक्स और एक कांस्टेंट है, वो सभी के सभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाते जाते वैनिश हो जाएंगे. तो इसलिए हम एक ऐसा फंक्शन छोटा फंक्शन एज्यूम करते हैं जिससे कि ये फटाफट हो जाए, इसमें वक्त ना लगे हमें. क्यों ऐसा फंक्शन लिया शॉर्ट फंक्शन? क्योंकि हम ले सकते हैं सी एक्स स्क्वायर, डी एक्स, ई एटसेट्रा, क्योंकि उनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी होंगी और वो फाइनली वैनिश होने वाले हैं, तो ऐसी वैल्यूज ही क्यों रखें. तो एक छोटा सा फंक्शन हमने एज्यूम किया और बेस्ड ऑन दैट हम प्रोसेस कर सकते हैं. एफ ऑफ जीरो इज जीरो, अगर जीरो रखा जाए यहाँ पे तो ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो इज जीरो, विच इज ट्रू, ये सही हुआ. एफ ऑफ वन इज वन, ए इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू वन, ये एक इक्वेशन हमें मिलती है, इसकी हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट एफ ऑफ माइनस वन इज जीरो, यहाँ पे वापस हम माइनस वन रखते हैं तो एफ ऑफ माइनस वन, वी पुट वैल्यू हियर एफ ऑफ माइनस वन, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो. दिस वे वी गेट अनदर इक्वेशन, एक दूसरी इक्वेशन हमें मिलती है ए और बी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. लास्ट है द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करके इसको देखते हैं. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फोर ए एक्स क्यूब प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर. एफ डैश जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो लेके ये जीरो हो जाती है, फोर ए इंटू जीरो प्लस थ्री बी इंटू जीरो इज जीरो, विच इज ट्रू. इट मीन्स हमने जो एक फंक्शन क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, वो एक वैलिड फंक्शन है. अब इस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू वन और a माइनस बी इक्वल टू वन एड करके a इज इक्वल टू हाफ एंड b इज इक्वल टू हाफ. इस तरह एक छोटा फंक्शन लेके हम इजीली a और b कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल होता है. इस तरीके से हमें फंक्शन मिल चुका है, fx इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स टू द पावर फोर प्लस हाफ इंटू एक्स टू द पावर थ्री. अब वन बाय वन क्विकली हम इसको वेरीफाई करते हैं, स्टेटमेंट्स ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शंस को. थर्ड डेरिवेटिव, तो पहला हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये होता है हमारा 4 बाय 2 एक्स क्यूब 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर. सेकेंड डेरिवेटिव 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि 2x होता है तो 2y. थर्ड डेरिवेटिव 12x प्लस 3. फोर ऑप्शंस जो भी दिए हुए हैं वो इस पर डिसाइड होने वाले हैं, तो हम इसको इंपॉर्टेंट समझते हुए बाकी सबको, बाकी चीजों को रखकर x की वैल्यू जीरो ले फर्स्ट ऑप्शन में, f3 जीरो मींस
x इक्वल टू जीरो यहाँ पे हमें पुट करना है. तो 12 इंटू जीरो प्लस 3 इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसे ही कोई दूसरी फंक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अगर चाहे तो ax4 प्लस bx3 प्लस cx2 तक भी रख सकते हैं, dx भी रख सकते हैं, पर उसमें क्या होगा, c d e की कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ेगी, वक्त कम होता है. ये लेके भी वैलिड आंसर तक हम वैलिड रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं. तो इस तरीके से ऑप्शन वन करेक्ट हुआ. सेकेंड ऑप्शन देखे, दिस लाइज बिटवीन 0 एंड 2. थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट x इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 0 एंड 2. ये 0 एंड 2 के बीच में हमने देखा इसकी द वैल्यू इज 3, नॉट लाइंग बिटवीन 0 एंड 2, इट्स लाइंग बियॉन्ड 2. तो ये ऑप्शन इस तरीके से इस रिजल्ट से ही डिस्प्रूव हो जाता है कि रॉन्ग है. नेक्स्ट ऑप्शन के लिए दिया हुआ है कि वैल्यू अगर माइनस वन एंड वन के ओपन इंटरवल में लाई करे तो हम एक माइनस वन और वन लेते हैं, देखते हैं. फिर हाई बार ओपन इंटरवल है लेकिन एक आइडिया माइनस वन अगर वैल्यू हम लेते हैं तो ये वैल्यू निगेटिव आती है, इसलिए आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं. ये वैल्यू निगेटिव है और ऑप्शन थ्री सेज थर्ड डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस वन टू वन. माइनस वन पर ही वो लेस देन जीरो होती है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. इसलिए आगे और वैल्यूज लेके उसको चेक करने का, क्योंकि एक ही पॉइंट पर वो रिजल्ट रॉन्ग प्रूफ हुआ इसलिए हम आगे बढ़ेंगे. तो ये भी रॉन्ग हो जाता है थर्ड ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन ऑलरेडी प्रूव हुआ क्योंकि हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया कि एफ जीरो इज इक्वल टू थ्री. जीरो इक्वल टू थ्री मीन्स इट इज लाइंग बिटवीन जीरो एंड थ्री, सो इट इज इक्वल टू थ्री एंड पॉजिटिव बोथ. तो ये वैल्यू भी, ये ऑप्शन भी करेक्ट होता है. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि अगर सिस्टमेटिकली बनाया जाए तो काफी कम कैलकुलेशन में बहुत ही क्विकली सॉल्व किया जा सकता है 4.75 मार्क्स के. अब स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. इतने लंबे फंक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने देखा कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाते जाते ये तीनों पार्ट वैसे भी वैनिश हो जाते हैं, तो इनकी कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं. अगर आप वो रखते हैं तो भी आपको सेम रिजल्ट, ये रिजल्ट ही आने वाले. सो this is all about this question. I'll be back with more problems and easy explanation. Keep watching, keep sharing my videos, and if you like my videos please subscribe the channel. Thank you very much.